AENT 5111 की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे इंसेक्ट विंग्स, विंग्स का स्ट्रक्चर, विंग्स के वेनेशन, टाइप ऑफ विंग्स और विंग कपलिंग एपरेटस। इंसेक्ट विंग्स जो होते हैं वो एडल्ट्स में होते हैं, एडल्ट इंसेक्ट्स में, और ये जो है एक्सोस्केलेटन की आउट ग्रोथ होता है। और ये विंग्स जो हैं वो दो जोड़ी इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, जो कि थोरेसिक सेगमेंट्स सेकंड और थर्ड, इसको बोलते हैं मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, इसमें एक एक जोड़ी पाए जाते हैं। मीजोथोरेक्स में पाए जाने वाले विंग्स को फोर विंग्स कहते हैं, अर्थात आगे वाले विंग्स फोर विंग्स कहलाएंगे और पीछे वाले विंग्स जो कि मेटाथोरक्स में पाए जाते हैं उनको हाइंड विंग्स बोला जाता है। विंग्स की फंक्शंस में जो है ये इंसेक्ट्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ थर्मो रेगुलेशन अर्थात विंग्स के जरिए इंसेक्ट्स अपना बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। तो इस प्रकार से थर्मो रेगुलेशन और फ्लाइंग, ये इनके मुख्य दो कार्य हैं। एक टिपिकल इंसेक्ट विंग जो होता है वो ट्रायंगुलर इन शेप होता है और साथ ही साथ इसमें तीन मार्जिन और तीन एंगल्स होते हैं। ये मार्जिन्स कौन कौन से होते हैं? पहला है कोस्टल और एंटीरियर मार्जिन, दूसरा है एपिकल और आउटर मार्जिन, तीसरा एनल या इनर मार्जिन। तो ये तीन मार्जिन्स होती हैं। इसी तीन मार्जिन के आधार पर जो है इंसेक्ट्स के जो विंग्स होते हैं वो तीन मार्जिन कहा जाता है, और थ्री एंगल्स भी होते हैं। ह्यूमरल एंगल्स, ये अभी आपको मैं पिक्चर के जरिए भी दिखाऊंगा। ह्यूमरल एंगल्स बिटवीन बॉडी वॉल और कोस्टल मार्जिन के बीच ह्यूमरल एंगल, एपिकल और आउटर एंगल जिसको बोलते हैं वो कोस्टल और एपिकल मार्जिन के बीच में होता है, जबकि एनल एंगल और टॉर्नस जिसको बोला जाता है एपिकल और एनल मार्जिन के बीच होता है। ये देखिए इसमें जो है मार्जिन, ये कोस्टल मार्जिन है। आपको जो तीन मार्जिन मैंने बताई, कोस्टल मार्जिन, एपिकल मार्जिन और एनल मार्जिन, ये आपको नजर आ रही है। कोस्टल मार्जिन जो है इसको एंटीरियर भी बोला जाता है, और जो एपिकल, ये एपिकल आउटर बाहर की ओर है, तो एपिकल आउटर मार्जिन, और एनल मार्जिन अंदर की तरफ है, इसलिए इसको इनर मार्जिन बोला जाता है। उसी प्रकार से तीन एंगल्स जो मैंने बताए, ह्यूमरल एंगल, एपिकल एंगल और एनल एंगल, जो कि ये इसका बेस बॉडी वॉल यहाँ से है, बॉडी वॉल और कोस्टल मार्जिन के बीच में होता है ह्यूमरल एंगल, जबकि एपिकल मार्जिन और कोस्टल मार्जिन के बीच में ये जो कॉर्नर बना है ये कहलाता है एपिकल एंगल। और उसी प्रकार से एनल मार्जिन और एपिकल मार्जिन के बीच में ये जो एंगल बना है इसको कहते हैं एनल एंगल। तो इस प्रकार से इंसेक्ट्स के विंग्स में तीन एंगल और तीन मार्जिन होते हैं। और इसके अलावा अभी आपने जो देखा रेमिजियम, ये देखिए ये रेमिजियम है ना, रेमिजियम जो दिख रहा है ये जिसमें कि बहुत ज्यादा संख्या में वेंस होती है ना, और जो सामने से जो दिखाई देता है विंग्स का जो पोर्शन उसको बोला जाता है रेमिजियम। रेमिजियम और जो इसके पीछे, इसके जो पीछे का जो एरिया है ना उसको बोला जाता है वेनस। वेनस और जो कि क्लावल फरो जो होती है इसके पीछे, इसको क्लावस बोला जाता है। और हाइंड विंग्स में जो है ये एरिया जो है बहुत ज्यादा बड़ा होता है जिसको बोला जाता है वेनस। और जो जुगम, जुगम और जुगल फोल्ड है ना जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ये देखिए ये अभी आपको ये देखिए जुगम जुगल फोल्ड, ये क्लावस है ना। अभी आपको और आगे दिखाते हैं कि ये देखिए ये जुगम क्लावस ये जुगल फोल्ड, ये ह्यूमरल एंगल, ये हो गया ह्यूमरल एंगल, कोस्टल मार्जिन, एपिकल मार्जिन, एनल मार्जिन है ना,
और ये जो है ये वेनस कहलाता है, और ये रेमिजियम फ्रंट का फोर विंग्स के ऊपर का जो पोर्शन वो रेमिजियम, जबकि हाइंड विंग्स के पीछे तरफ का ये वेनस और ये जुगल फोल्ड, ये इसका ही यही फिगर है। देखिए ये बॉडी वॉल से लगा हुआ है, ये एंगल ह्यूमरल एंगल हो गया है ना, ये एपिकल एंगल, एनल एंगल है, इस तरीके से जितने भी जो है ये, और ये फोल्ड है। अभी अभी आपको आगे भी उसमें ये सब चीजें मैं समझाता हूँ है। तो इस प्रकार से जो विंग्स होते हैं उनकी तीन मार्जिन और तीन एंगल्स होते हैं। और अब होता है विंग वेनिशन, अर्थात अरेंजमेंट ऑफ विंग्स, वेनिशन अरेंजमेंट ऑफ वेनिशन ऑन द विंग्स है ना। तो विंग्स सामान्यतः कैसे होते हैं, थिन होते हैं, पतले होते हैं, लीफ लाइक पत्तियों के जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं, जिसमें कि कई सारे आप लोगों ने देखा होगा हॉलो नैरो है ना, खोखले और सकरे ट्यूबुलर जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसको कि बोला जाता है वेन्स है ना। तो इन्हीं वेन्स का विंग्स की सरफेस के ऊपर जो अरेंजमेंट होता है उसको बोला जाता है विंग वेनेशन है, विंग वेनेशन। विंग में जो वेनेशन प्रेजेंट है उनका जो विन्यास है, उनका जो अरेंजमेंट है वो कहलाता है विंग वेनेशन। ये विंग वेनेशन जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है लॉन्जिट्यूडिनल वेन्स, अर्थात ऊर्ध्वाधर सिराएं, वेन्स मतलब सिराएं, ऊर्ध्वाधर सिराएं, ये जो कि इंसेक्ट्स के विंग्स में है ना, ये बेस से लेकर के मार्जिन, विंग्स की बेस से लेकर के मार्जिन तक जो पाई जाती हैं उनको बोला जाता है लॉन्जिट्यूडिनल वेन्स, अर्थात ऊर्ध्वाधर सिराएं। और ये जो वेन्स हैं वे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स अवतल और उत्तल, कॉनकेव यू है ना, इस आकार की होती है ये वेन्स जो है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, उत्तल और अवतल होती हैं। जबकि दूसरा जो वेन्स विंग वेनेशन का जो वो है प्रकार है वो है क्रॉस वेन्स, क्रॉस वेन्स अर्थात इन जो लॉन्जिट्यूडिनल वेन्स है उनको लिंक करने के लिए भी सिराएं पाई जाती हैं, लॉन्जिट्यूडिनल वेन्स को लिंक करने के लिए उनको बोला जाता है क्रॉस वेन्स। ये देखिए ये फिगर दिख रहा है, इसमें देखिए ये बेस से लेकर के मार्जिन तक जितनी भी ये रेखाएं जा रही हैं है ना, ये सब क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल वेन्स है, ये सब लॉन्जिट्यूडिनल वेन्स है, मतलब बेस के है ना, विंग्स के बेस से लेकर के मार्जिन तक, एपिकल मार्जिन ना, एनल मार्जिन तक जितनी भी जो ऊर्ध्वाधर ये सिराएं जा रही हैं वो कहलाते हैं लॉन्जिट्यूडिनल वेन्स। और इन जो दो ऊर्ध्वाधर वे जो वेन्स है लॉन्जिट्यूडिनल वेन्स को कनेक्ट करने के लिए जो आड़ी रेखाएं होती हैं, जिनको आड़ी सिराएं होती हैं, इनको बोला जाता है क्रॉस वेन्स। ये देखिए इसमें क्रॉस वेन्स नजर आ रही है आप लोगों को। तो क्रॉस वेन्स जो है लॉन्जिट्यूडिनल वेन्स को कनेक्ट करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, और जबकि लॉन्जिट्यूडिनल वेन्स वे होती हैं जो इंसेक्ट विंग्स के बेस से लेकर के मार्जिन तक पाई जाती है। ये हाइपोथेटिकल विंग वेनेशन है। इसमें इसमें देखिए इसके कई पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट होता है कोस्टा, कोस्टा अर्थात इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। कोस्टा जो होता है ये थिक एंड थिक एंटीरियर मार्जिन जो होती है, जो कि कोस्टल रीजन में पाई जाती है, विंग्स के कोस्टल रीजन में मोटी और एंटीरियर मार्जिन के पास पाए जाने वाली जो लॉन्जिट्यूडिनल वेन्स हैं उसको बोला जाता है, ये सब लॉन्जिट्यूडिनल वेन्स हैं इनको कहा जाता है कोस्टा। और ये जो कोस्टा होती है ये अनब्रांच्ड होती है, मतलब सिंगल, एक सिंगल रहेगी और इसका जो शेप है वो कॉन्वेक्स रहेगा। ये देखिए ये जो यहाँ नजर आ रही है आपको, ये कोस्टल मार्जिन में ये जो वेन्स जो सी से बनी है डिनोट कर रहे हैं, ये लंबी वाली मार्जिन इसको बोलते हैं कोस्टल, आपको कोस्टा, कोस्टल मार्जिन में पाई जा रही है इसलिए इसको बोलते हैं कोस्टा, इसको भी डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। और ये देखिए ये अनब्रांच्ड है, अर्थात एक ही सिराएं होती हैं बस इसमें, सिंगल, ये इसमें खंड नहीं होते हैं। दूसरी होती है सब कोस्टा, सब कोस्टा को डिनोट करते हैं एस सी, एस कैपिटल सी स्मॉल, और ये जो है जस्ट इसके बिलो, किसके, कोस्टा के बिलो होती है। और ये जो है कोस्टा और आर, आर अर्थात रेडियस, रेडियस
लॉन्जिट्यूडिनल वेंस हैं और कोस्टा लॉन्जिट्यूडिनल वेंस के बीच में सब कोस्टा पाया जाता है। और यह जो है शुरुआत तो इसकी सिंगल ही होती है, लेकिन दूर जा करके ये दो भागों में बढ़ जाती है, जिसको बोला जाता है SC1 और SC2। और ये जो होती है ये कॉनकेव होती है। ये देखिए इसमें जो है आपका ये कोस्टा के बाद ये सब कोस्टा आ गई। ये सब कोस्टा को SC से डिनोट करते हैं और ये दूरस्थ डिस्टली जा करके दो भागों में बढ़ जाती है, सब कोस्टल 1 एंड सब कोस्टल 2, SC1 एंड SC2, इसीलिए इसको कहा जाता है। और ये जो है ये रेडियल वेन है, तो ये कोस्टा और रेडियल ये सी और आर के बीच में पाई जाती है, सब कोस्टा। सब कोस्टा ये देखिए यहाँ पे भी वही फिगर दिखाया गया है, ये कोस्टल वेन हो गई है ना, लॉन्जिट्यूडिनल वेन, ये सब कोस्टा हो गया। सब कोस्टा SC1 SC2 में डिवाइड हो गया और ये आर हो गया रेडियल। तो तीसरी जो लॉन्जिट्यूडिनल वेन है वो है रेडियल वेन, जिसको कि डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। और यह जो होती है यह स्टाउट होती है और कनेक्ट एट द बीस विथ सेकंड एक्सिलरी स्क्लेराइड। ये जो है आगे फर्दर रेडियल वेन जो है चल करके R1 और RS दो भागों में बढ़ जाती है। R1 और RS, RS को बोला जाता है रेडियल सेक्टर, R1 जो है वो डायरेक्टली एपिकल मार्जिन की ओर चला जाता है और कॉन्वेक्स होता है, जबकि RS जो है वो कॉनकेव हो करके अगेन डिवाइड हो जाता है RS चार भागों में, जिसको बोला जाता है R2 R3 R4 और R5। ये देखिए ये रेडियल है, रेडियल वेन ये बिल्कुल सीधी जा करके एपिकल मार्जिन की ओर मिल रही है। और यह R1 एक हुई, और ये जो है R1 और RS ये रेडियल सेक्टर में डिवाइड हो गई। रेडियल सेक्टर वेन जो है वो आगे चल करके चार भागों में पड़ जाती है, 1 2 3 एंड 4। तो इसी को बोला जाता है R2 R3 R4 एंड R5। तो इस प्रकार से रेडियल वेन जो है वो मीडिया और सब कोस्टा के बीच में पाई जाती है। चौथी लॉन्जिट्यूडिनल वेन है मीडिया, या जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल M से। यह जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेन है और यह भी आगे चल करके दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। मीडिया एंटीरियर, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल MA, जो कि कॉन्वेक्स शेप की होती है, जबकि मीडिया पोस्टीरियर MP, इसको डिनोट किया जाता है MP से, और वो जो होती है कॉनकेव होती है। और मीडिया एंटीरियर जो होती है MA जो है वो अगेन डिवाइडेड होती है MA1 एंड MA2, जबकि मीडिया पोस्टीरियर जो वेन है वो डिवाइड होती है चार भागों में, MP1 MP2 MP3 एंड MP4। ये देखिए एम एम आया मीडिया, मीडिया दो भागों में बटा, मीडिया एंटीरियर मीडिया पोस्टीरियर, मीडिया एंटीरियर पुनः दो भागों में जा करके आगे बढ़ता है MA1 एंड MA2, जबकि मीडिया पोस्टीरियर जो वेन है ये आगे चल करके चार भागों में बढ़ती है, MP1 MP2 MP3 और MP4। तो इस प्रकार से ये जो मीडिया है ये रेडियस और CU क्यूबाइटस, आगे आने वाली वेन है क्यूबाइटस, उसके बीच में पाया जाता है। ये हो गया मीडिया। अब मीडिया के बाद जो है आपकी होती है पांचवी लॉन्जिट्यूडिनल वेन्स क्यूबिटस, क्यूबाइटस बोलते हैं इसको, इसको भी डिनोट किया जाता है कैपिटल सी स्मॉल यू CU। यह जो है आपका डिवाइडेड होती है CU1 और CU2 में, और ये जो है CU1 जो है वो कॉन्वेक्स होती है, जबकि CU2 कॉनकेव होती है। CU1 अगेन डिवाइड होती है CU1A और CU1B, अर्थात CU1 दो भागों में डिवाइड होती है, CU1A और CU1B। ये देखिए ये क्यूबिटस आई, क्यूबिटस दो भागों में बटी, CU1 CU2, और ये जो है CU1 अगेन आकर के ये देखिए CU1A CU1B इसमें डिवाइड होती है, जबकि क्यूबिटस 2 जो होती है
वो सिंगल वेन होती है विदाउट एनी बाइफरकेशन, किसी प्रकार का खंड इसमें CU2 में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से क्यूबिटस, और छठवीं वेन होती है एनल वेन्स, एनाल वेन्स इसको बोलते हैं, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। यह जो वेन्स है वो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स इन नेचर होती है और ये इंडिविजुअल होती है, अनब्रांच्ड होती है, सिंगल होंगी विदाउट किसी प्रकार के खंड के होती है। लेकिन यदि खंड पाया जाता है तो वो एक से तीन, हर एक जो इंसेक्ट्स के ऑर्डर्स होते हैं उसके अलग अलग विंग्स में अलग अलग प्रकार की जो विंग्स है वो पाई जाती है। तो 1, 2, 3 इन नंबर। तो और इसके आगे जो है ये देखिए जुगल वेंस जो है अनब्रांच्ड होती है और वो 4 विंग्स में जुगल लोब में पाया जाता है। ये देखिए ये 1A सिंगल वेन है। अगर किसी इंसेक्ट में एनाल वेन्स की संख्या 3 है तो ये 2A, 3A, और ये जो होती है अनब्रांच्ड होती है, सिंगल होती है, और यहीं पे जो है आपका ये जुगल वेन्स 4 विंग्स में पाया जाता है। ये इस प्रकार से ये जो 5, 6 जो है ये लॉन्जिट्यूडिनल वेन्स हैं, कोस्टा, सब कोस्टा, रेडियस, मीडिया, क्यूबिटस एंड एनल वेन्स। और इन सब का जो आपको कौन सी कितने खंडों में बटी होती है अभी मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग इसको पेपर में एक डायग्राम बना लेंगे और डायग्राम बना करके जो जितनी जितनी भाग में बटी हैं ये लॉन्जिट्यूडिनल वेन्स उनको ऐसा लिखते चले जाएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। देन उसके बाद होता है लॉन्जिट्यूडिनल वेन्स के बाद क्रॉस वेन्स। क्रॉस वेन्स की जो है इसकी संख्या देखिए, ह्यूमरल क्रॉस वेन, जितनी भी लॉन्जिट्यूडिनल वेन्स हैं उनको डिनोशन जो है वो उसका पहला लेटर जो है हमेशा कैपिटल होता है, जबकि क्रॉस वेन्स के जितनी भी जो वेन्स हैं क्रॉस वेन्स उनका जो डिनोशन होगा उसको जो डिमार्केशन किया जाएगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से किया जाता है। ह्यूमरल क्रॉस वेन जिसको कि डिनोट किया जाता है स्मॉल h से, और यह जो है कोस्टा और सब कोस्टा के बीच में पाई जाती है, ह्यूमरल क्रॉस वेन। ये देखिए ये ह्यूमरल क्रॉस वेन है, कोस्टा और सब कोस्टा के बीच में पाई जाती है जिसको कि डिनोट किया जाता है स्मॉल एस से। ये यहाँ फिगर में दिखाया जा रहा है ह्यूमरल क्रॉस वेन स्मॉल h। दूसरी होती है रेडियल क्रॉस वेन जो कि स्मॉल r से दर्शाई जाती है, और यह जो है रेडियस और रेडियल सेक्टर के बीच में, रेडियस और रेडियल सेक्टर के बीच में जो है ये देखिए ये दिख रहा है, ये रेडियस R1 और रेडियल सेक्टर RS इसके बीच में जो पाई जाती है, इसीलिए इसको बोला जाता है रेडियल क्रॉस वेन, इसको कि स्मॉल r से दर्शाया जाता है। और तीसरी होती है रेडियो मीडियल क्रॉस वेन जिसको दर्शाया जाता है स्मॉल r डैश स्मॉल m। यह जो है रेडियस और मीडिया के बीच में पाई जाती है, रेडियस और मीडिया के बीच में। ये देखिए ये रेडियस है ये मीडिया है, इसके बीच में पाई जाने वाली रेडियो मीडियल क्रॉस वेन RM इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। देन होता है मीडियल क्रॉस वेन बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ मीडिया, तो मीडिया की एम की जो है ना ब्रांचेस हैं उनके बीच में जो है ये आता है। ये देखिए ये आया है आपका वीडियो, ये यहाँ पे इसके बीच में होता है ना, दिया नहीं है इसमें, यहाँ पे पाया जाता है इन क्रॉस वेन्स के बीच में, तो उसको बोलते हैं वीडियो मीडियल क्रॉस वेन्स बोलते हैं। देन एक होती है मीडियो क्यूबिटल वेन्स बिटवीन मीडिया एंड क्यूबिटस, है ना, मीडिया और क्यूबिटस के बीच में। ये देखिए ये मीडिया है ये क्यूबिटस है, इसके बीच में जो पाई जाती है इसको बोला जाता है मीडियो क्यूबिटल क्रॉस वेन जिसको दर्शाया जाता है स्मॉल m स्मॉल CU से। ये आप लोगों ने देखा, ये देखिए इसमें यही चीजें दर्शाई गई है ना, रेडियल सेक्टर हो गया, ये RM हो गए, हाँ ये वाली MCU हो गया मीडियो क्यूबिटल वेन, इसी तरीके से इसको दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखी डिफरेंट लॉन्जिट्यूडिनल वेन्स और क्रॉस वेन्स, इन्हीं लॉन्जिट्यूडिनल वेन्स और क्रॉस वेन्स का
जो अरेंजमेंट्स होता है विंग्स के ऊपर वही कहलाता है विंग वेनेशन। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द विंग्स इज नोन एज द विंग वेनेशन। अब विंग्स में जो वेनेशन होता है उसके अलावा अलग अलग इंसेक्ट्स के ऑर्डर्स जो होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार का विंग पाया जाता है, तो वो कहलाता है टाइप्स ऑफ विंग्स या विंग मॉडिफिकेशंस। तो पहला है टैग्मिना, टैग्मिना टाइप ऑफ विंग्स, जो कि फोर विंग्स में, इंसेक्ट के फोर विंग्स में इस प्रकार का मॉडिफिकेशंस पाया जाता है। और यह जो होते हैं वे लेदरी, लेदर के जैसे और कड़े टफ होते हैं, जैसे ये चित्र में दिखाया गया है। ये विंग्स जो है टैग्मिना प्रकार का विंग्स है जो कि लेदरी और टफ है। और ये जो है इस पाए जाते हैं फोर विंग्स में, और फोर विंग्स ऑफ कॉकरोच इज द एग्जाम्पल ऑफ टैग्मिना टाइप ऑफ विंग मॉडिफिकेशंस। और इनका जो कार्य होता है, इनके जो हाइंड विंग्स है अर्थात जो पीछे वाले विंग्स हैं वो मेम्ब्रेनस होंगे, उनको प्रोटेक्ट करने का कार्य यह टैग्मिना प्रकार के विंग के जरिए इंसेक्ट्स के द्वारा किया जाता है। तो पहला विंग मॉडिफिकेशन हो गया टैग्मिना। दूसरा होता है एलिट्रा, एलिट्रा टाइप ऑफ विंग्स। तो ये एलिट्रा टाइप ऑफ विंग्स जो होते हैं वो देखे फिगर में दिखाई दे रहा है, ये हार्ड होते हैं। हार्ड, एलिट्रा मतलब होता है सेल लाइक, सेल जैसे कि घोंगा होता है, घोंगा के ऊपर का जो कवर होता है उस तरीके का जो है ये कवर इंसेक्ट्स की बॉडी के ऊपर होता है। और इसमें जो वेनेशन होती है ना, वेनेशन क्लियर नहीं होती है, और यह एक प्रकार का प्रोटेक्टिंग कवर के रूप में काम करता है, जो कि इसका हाइंड विंग्स जो मेम्ब्रेनस होता है उस मेम्ब्रेनस हाइंड विंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम, और साथ साथ इसमें एब्डोमेन है, एब्डोमेन को भी प्रोटेक्ट करने का काम जो है इस प्रकार के विंग्स करते हैं। इसलिए लिट्रा टाइप ऑफ विंग्स जो है वो पाए जाते हैं बीटल्स में, बीटल्स में। और इसमें भी मॉडिफिकेशन जो होता है लिट्रा टाइप ऑफ विंग्स में वो फोर विंग्स में होता है। तीसरा प्रकार होता है हेम लिट्रा, हेम लिट्रा का अर्थ आता है हेम मतलब आधा, लिट्रा मीन्स कड़ा, तो आधा जो कड़ा है ना विंग्स उसको बोलेंगे हेम लिट्रा, और आधा जो रहेगा वो मेम्ब्रेनस रहेगा। तो जब जो विंग्स का बेस होता है वो थिक होता है, जैसा इलिट्रा होता है उस तरीके का थिक होता है, जबकि रिमेनिंग हाफ पोर्शन जो होता है वो मेम्ब्रेनस होता है। और ये जो थिकन पोर्शन जो होता है वो तीन भागों में बटा होता है, कोरियम, क्लेवस, क्यूनियस एंड एम्बोलियम। ये तीन से चार भागों में बटा होता है, कोरियम, क्लेवस, क्यूनियस एंड एम्बोलियम, जो कि इलिट्रा वाला पोर्शन है, जो कि थिक पोर्शन है, वो चार भागों में बटा है। और इसका कार्य जो है, जो इलिट्रा टाइप का है विंग्स है उसका कार्य है प्रोटेक्शन करना, और वो फ्लाइट के दौरान जो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ये जो पाया जाता है वो फोर विंग्स ऑफ बक्स में पाया जाता है। तो ये जो क्लावस, कोरियम, क्लावस, क्यूनियस और एम्बोलियम, ये देखिए इसका फिगर दिखाया गया है, ये मेम्ब्रेनस पोर्शन हो गया इसका जो है, चूंकि वेनेशन इसमें बहुत क्लियर नहीं होती है इसलिए जो है आपका ये देखिए ये विंग्स बहुत क्लियर नहीं होती हैं, इसलिए ये जो है आपको नजर नहीं आता है। तो ये जो पहला पोर्शन है ये क्यूनियस कहलाया, ये एम्बोलियम कहलाया, ऊपर की जो मार्जिन है पोस्टल मार्जिन वाला एरिया है ये एम्बोलियम कहलाया, जो सेंटर वाला एरिया है कोरियम, और जो बेस जहाँ से आपका ये उड़ान भरने के लिए उससे जोड़ता है हाइंड विंग से, तो वो कहलाता है क्लावस। तो इस प्रकार से ये जो फेमिलेटरा टाइप ऑफ विंग्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट विंग्स है, और ये पाए जाते हैं बक्स में, फोर विंग्स ऑफ बक्स। एक और होता है मेम्ब्रेनस प्रकार विंग्स, जिसमें कि इसमें मेम्ब्रेनस नाम से ही दिख रहा है, झिल्लीदार, झिल्लीदार में विंग वेनेशन, ये देखिए यहाँ नजर आ रही है विंग वेनेशन जो है ये बहुत क्लियर होता है, विंग वेनेशन बहुत क्लियर होता है, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है फ्लाइट करना, उड़ने के लिए सहायता देना। तो दोनों जोड़ी जो पंख है, ये फोर विंग्स और ये हाइंड विंग्स, दोनों जो पंख है वो मेम्ब्रेनस होते हैं, और ये पाए जाते हैं ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, हनी बी, वास्प, जिनके हाइंड विंग्स में इस प्रकार का और फोर विंग्स में दोनों में इस तरीके का मॉडिफिकेशंस पाया जाता है। देन पांचवा होता है स्केली विंग्स, स्केली विंग्स अर्थात विंग्स जो होते हैं पतले होते हैं और मेम्ब्रेनस होते हैं, लेकिन इसको इन विंग्स के ऊपर यूनिसेल्युलर स्केल से कवर होता है, जिसको कि आप जब हाथ से छुएंगे तो ये आपके हाथ में स्केल्स लग जाती हैं, इस प्रकार के विंग्स को बोला जाता है स्केली विंग्स। तो
इसका भी उपयोग फ्लाइट के लिए होता है। और दोनों जोड़ी जो फोर विंग्स, ये देखिए फोर विंग्स और ये हाइंड विंग्स, इसी इंसेक्ट में दिखाई दे रहा है, फोर विंग्स और हाइंड विंग्स दोनों में इस प्रकार का मॉडिफिकेशन पाया जाता है। और इस प्रकार के जो विंग्स हैं वो मॉथ्स और बटरफ्लाइज तितलियों और शलभ में पाए जाते हैं। छठवां होता है फ्रिंज्ड विंग्स। विंग्स जो होते हैं वो इसमें देखिए ये नजर आ रहा है, इसमें वेनेशन जो है तो बहुत रिड्यूस होती है, नजर नहीं आते हैं। विंग्स आर फ्रिंज्ड, फ्रिंज्ड अर्थात ये बारीक बारीक फेदर लाइक अपीरेंस, जैसा कि फेदर होता है मुर्गी का पंख होता है, उस तरीके का अपीरेंस में ये पंख होते हैं, जिनकी की मार्जिन पे बहुत सारे बारीक बारीक से बहुत हेयर्स पाए जाते हैं, उस प्रकार के विंग्स फ्रिंज्ड विंग्स कहलाते हैं। और ये है थ्रिप्स में इस प्रकार के जो फोर विंग्स और हाइंड विंग्स दोनों में इस प्रकार का मॉडिफिकेशन पाया जाता है। सातवां होता है फिजर्ड विंग्स। फिजर्ड विंग्स, फिजर्ड विंग्स, फिजर्ड विंग्स में जो है वो देखिए ये जैसे नजर आ रहा है, ये फोर विंग्स जो होते हैं ना, वो जितनी भी लॉन्जिट्यूडनली है, ये लॉन्जिट्यूडनल जो है ये दो भागों में फोर्क्ड आकार में, फोर्क्ड आकार में, जैसे कि जो आपका फोर्क होता है कांटे खाने की चम्मच होती है, उस तरीके से कांटे वाली जो चम्मच होती है खाने की, जिससे आप लोग चाउमीन खाते हैं, उस तरीके का जो फोर्क लाइक ट्वाइस दो बार ये स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाता है, जबकि फोर विंग्स में इस तरीके का होता है। जबकि फिजर्ड विंग्स के हाइंड विंग्स जो होते हैं वो दो भागों में बढ़ते हैं, जिसके कारण से ये दो भागों में बढ़ने कारण से तीन आर्म दिखाई देती है, 1, 2 एंड 3 आर्म्स दिखाई दे रही है। और जितने भी जो फोर्क्स ये बनते हैं इसके चारों तरफ छोटे छोटे से बाल पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, इसके लिए इसको बोला जाता है फिजर्ड विंग्स। और इनका उद्देश्य होता है आपका फ्लाइट करने के लिए, उड़ने के लिए। तो जो दोनों जोड़ी पंख प्लूम मॉथ में जो फोर विंग्स और हैंड विंग्स हैं उन दोनों में जो मॉडिफिकेशन पाया जाता है वो फिजर्ड विंग्स प्रकार का पाया जाता है। और होता है एक आठवां जिसको बोलते हैं हाल्टर्स टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस। ये सामान्यतः है हाल्टर्स का जो मॉडिफिकेशंस है वो हाइंड विंग्स में ही पाया जाता है। तो जो हमारी हाउस फ्लाई है, घरेलू मक्खी है, वे हाइंड विंग्स जो है उसमें एक जो है आपका छोटा सा, ये देखिए यहाँ नजर आ, छोटा सा स्मॉल सा पैग लाइक कुटी के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको भी बोला जाता है हाल्टर्स। और यह जो हाल्टर्स है यही इसमें मेन मॉडिफिकेशन कहा जाता है। इसलिए घरेलू मक्खी को जब हम देखते हैं तो उसमें एक जोड़ी पंख ही दिखाई देते हैं, दूसरी जोड़ी पंख जो है उसमें क्लियर दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो जो सेकंड पेयर ऑफ विंग्स है वो मॉडिफाइड हो गए हैं हाल्टर्स में। और यह जो है एक प्रकार का बैलेंसर्स के जैसा भी कार्य करता है। तो हाइंड विंग्स ऑफ हाउस फ्लाई और स्टाइलोपिट्स, स्टाइलोपिट्स के जो फोर विंग्स होते हैं मेल स्टाइलोपिट्स के, इस प्रकार का उसमें मॉडिफिकेशंस पाया जाता है। देन एक होता है सुडो हॉल्टर्स, है ना, हॉल्टर्स में सुडो हॉल्टर्स, अर्थात ये गलत गलत हॉल्टर्स है ना, मतलब ये अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन जो है इसको बोला जाता है सुडो हॉल्टर्स। दे आर शॉर्ट, ये छोटे होते हैं, और इनका जो है देखिए छोटे होने के साथ साथ ना यहाँ पे दिख रहा है ये एक प्रकार के डम्बल लाइक शेप में हो जाते हैं। तो जो है ना हाइंड विंग्स जो है वो कैसे हो जाते हैं, वो डम्बल शेप के हो जाते हैं। ये देखिए ये यहाँ नजर आ रहा है, ये देखिए सॉरी फोर विंग्स जो है वो डम्बल शेप के हो जाते हैं, है ना, इसलिए जो है इनको बोला जाता है सुडो हॉल्टर्स। तो जो फ्रंट विंग्स ऑफ स्टेप्सिप्टेरा, स्टेप्सिप्टेरा के पहला जोड़ा जो विंग है वो देखिए ऐसा डम्बल शेप का हो गया है, इसीलिए इसको कहा जाता है सुडो हॉल्टर्स। एंड एक होता है विंग कपलिंग एपरेटस, अर्थात विंग कपलिंग मैकेनिज्म, विंग कपलिंग एपरेटस, ये सेम चीज है। पंख को दो जोड़ी जो पंख पाए जाते हैं वे आपस में किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, जिसके जरिए इंसेक्ट्स अपनी उड़ान भर लेता है, उसको कहा जाता है विंग कपलिंग एपरेटस, विंग कपलिंग मैकेनिज्म, विंग कपलिंग एपरेटर, अर्थात दोनों जोड़ी पंख को किस तरीके से जोड़ा जाए कि इंसेक्ट्स इजिली फ्लाई कर सके, आसानी से उड़ सके। तो आसानी से उड़ने के लिए इन दोनों जोड़ी पंखों को, फोर विंग्स और हाइंड विंग्स को, इंसेक्ट आपस में जोड़ लेता है, तो उसको कहा जाता है विंग कपलिंग। तो इसे डिफरेंट प्रकार है। तो इसमें पहला प्रकार है हेमुलेट टाइप। देखिए हेमुलेट में क्या होता है कि जैसे ये स्मॉल हुक्स ये नजर आ रहे हैं आपको, ये हाइंड विंग्स की कोस्टल मार्जिन में स्मॉल छोटे 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 से हुक्स पाए जाते हैं, जिसको बोला जाता है हेमुलाइट, जिसको दर्शाता है HM से ना। ये जो है आपका
जो फोर विंग्स के पोस्टीरियर मार्जिन है, इस ये जो दिख रही है ये पोस्टीरियर एज है, या पोस्टीरियर जो ये एनल मार्जिन है, इस एनल मार्जिन के साथ जा करके सड़ जाते हैं, और इसके आधार पर दोनों जब ये चिपक जाते हैं तो इस चिपकने के आधार पर इंसेक्ट जो है वो फ्लाई कर जाता है। तो इस प्रकार का जो हेमुलेट टाइप का जो विंग कपलिंग मैकेनिज्म है वो हनी बी में पाया जाता है। दूसरा होता है एम्प्लेक्सी फॉर्म विंग कपलिंग मैकेनिज्म। तो ये जो है ये सिंपलेस्ट टाइप का है, और जो कि जितनी भी जो बटरफ्लाइज हैं, मॉथ्स हैं, उनमें एम्प्लेक्सी फॉर्म टाइप का मॉडिफिकेशंस पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक प्रकार का कपलिंग, जैसे दो ट्रेन ट्रेन के जो डब्बे जोड़े जाते हैं कपलिंग होती है, उसी तरीके से ही ये इसमें क्या करता है, जो हाइंड विंग्स हैं वो जा करके, क्योंकि फोर विंग्स ऊपर रहता है और हाइंड विंग्स नीचे रहता है, दोनों विंग्स ऐसे आपस में जा करके अटैच हो जाते हैं और ओवरलैपिंग कर देते हैं, जिनकी की दो इसकी किसकी फोर विंग्स की जो पोस्टीरियर मार्जिन है ये, और हाइंड विंग्स की एंटीरियर मार्जिन, एक दूसरे पर ओवरलैप करके एम्प्लेक्सी फॉर्म टाइप ऑफ विंग मैकेनिज्म बनाते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है थर्नेट टाइप, थर्नेट भी बोला, इसको बोला जाता है रेटिनाकुलम या फेंडुलम, फेंडुलम या रेटिनाकुलम टाइप ऑफ विंग कपलिंग मैकेनिज्म भी बोला जाता है। तो इसमें जो है इसके दो प्रकार होते हैं प्रमुख रूप से। तो हाइंड विंग जो होता है ये देखिए, ये हाइंड विंग जो है, ये हाइंड विंग जो है वो इसकी कोस्टल मार्जिन पे एक प्रकार का, एक देखिए ये नजर आ रहा है फ्रेन्यूलम, ये एक क्या है सीटी जैसी, कांटे के जैसी एक संरचना होती है हाइंड विंग्स की, इसपे कोस्टल मार्जिन पे, हाइंड विंग्स की कोस्टल मार्जिन पे एक ब्रिस्टल लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है फ्रेन्यूलम, और जो कि सामान्यतः जो फोर विंग्स के पोस्टीरियर मार्जिन पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है रेटिनाकुलम, ये दिख रहा है रेटिनाकुलम फोर विंग्स के पोस्टीरियर मार्जिन के बेस पे। तो इसमें ये जो है रेटिनाकुलम कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक प्रकार का कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है, मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो रेटिनाकुलम है ना, ये आपका क्या करता है, फ्रेनुलम से जा करके ऐसा फंस जाता है, फंस जाने के कारण से ये जो है इंसेक्ट्स के जो विंग्स हैं वो जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के साथ साथ इंसेक्ट्स फ्लाई कर जाता है। ये देखिए ये इसमें यह नजर आ रहा है कि मेल और फीमेल इंसेक्ट में रेटिनाकुलम फ्रेनुलम। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने आज की क्लास करी, जिसमें हमने पूरा पढ़ा इंसेक्ट्स के विंग्स, इंसेक्ट्स का विंग्स का मॉडिफिकेशंस, विंग कपलिंग एपरेटस एंड देन टाइप्स ऑफ विंग्स।